जम्मू से सटे इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही फायरिंग की वजह से जो वहां पर रहने वाले लोग हैं, स्थानीय लोग, वो दहशत में हैं। सबसे ज्यादा परेशानी सीमा के पास बने स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को हो रही है। फायरिंग की वजह से आए दिन स्कूल बंद हो जाते हैं और स्कूल अगर खुले भी तो अचानक फायरिंग शुरू होने पर छात्रों को सुरक्षित जगहों पर शरण लेनी पड़ती है, खुद को बचाना पड़ता है। ये जो हमारा स्कूल है ये बिल्कुल बॉर्डर के नज़दीक है। जब भी यहाँ गोले कुछ चलते हैं तो यहाँ पे बहुत खतरा है, हमारी पढ़ाई जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जो भी यहाँ के स्टाफ मेंबर हैं ये बोलते हैं ये हमें सेफ जगह पे रखते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत खतरा है। जब भी पिछली बार 2 महीने में जब भी यहाँ गोले चल रहे थे तो हमारा स्कूल बंद रहा। ये हाई सेकेंडरी स्कूल है और इस एरिए में हाई सेकेंडरी स्कूल और कोई भी नहीं है। और ये जो हमारा स्कूल है ये पाकिस्तान की बिल्कुल रेंज में है। पिछले दो तीन महीने में यहाँ पे बहुत शेलिंग हुई है पाकिस्तान की तरफ से, उसकी वजह से हमारे स्कूल के बच्चे बहुत सफ़र कर रहे हैं। क्योंकि जब भी यहाँ पे शेलिंग होती है तब हमें छुट्टी करनी पड़ती है क्योंकि बच्चों को कहीं सेफ एरिया पे ले जाना पड़ता है, कहीं उनकी शेलिंग की वजह से हमारे बच्चों की कोई कैजुअल्टी ना हो जाए, क्योंकि जो पाकिस्तान के मोर्टर हैं वो बिल्कुल आस पास आके पड़ते हैं। और इसी के साथ एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, आप देखते रहिए ज़ी न्यूज़।